जिन जाबाजों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है उनके परिवारों की देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। डॉक्टर धन सिंह रावत। देखिए पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जनपद में कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर जनपद मुख्यालय के शहीद स्मारक एजेंसी चौक पौड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान सहित अन्य अधिकारियों व सैनिकों ने कारगिल युद्ध के शहीद वीर जवानों को पुष्प व श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम से पूर्व छात्र छात्राओं द्वारा एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रेक्षागृह में शहीदों के परिजनों को सम्मानित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1999 में मई से जुलाई के मध्य जम्मू कश्मीर में कारगिल जनपद में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों एवं भारतीय सेना के बीच जंग हुई थी, जिसमें हमारी सेना ने अति विकट भौगोलिक परिस्थितियों में अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिये बुरी नीयत लेकर निमंत्रण रेखा पार कर हमारे क्षेत्र में घुस आए थे। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब देने और उन्हें मार भगाने के लिए हमारी सेना ने रणनीति बनाई, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार के तहत परमवीर चक्र प्राप्त करने वालों को 30 लाख से 50 लाख, महावीर चक्र 20 से 35, वीर चक्र 15 से 25 व सेना मेडल गैलेक्ट्री में 7 से 15 लाख की धनराशि दी जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि कारगिल युद्ध में हमारे देश के 527 जाबाज सैनिकों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। शहीद सैनिकों ने 75 सैनिक उत्तराखंड के निवासी थे, जिनमें से जनपद पौड़ी के 17 वीर सैनिकों ने इस युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे सूरवीर एवं जाबाज वीर सैनिकों को याद करने एवं उनके त्याग को प्रेरणा स्रोत मानकर आत्मसात करते हुए उनकी स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल दिवस मनाया जाता है। लोगों को इस अवसर पर श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम या शौर्य दिवस में प्रतिपदा निकाल करके वो देहरादून से आज स्पेशली इसी काम के लिए यहाँ पधारे हैं, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरे के पूरे जनपद की तरफ से। और जिस तरीके से सर ने आप लोगों को एड्रेस किया और कुछ पर्टिकुलर चीजों को हाईलाइट किया था कि 37 ईयर की एवरेज एज को अगर हमें 22 तक लाना है, जिस संगठन है उनको बधाई देना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस बार भी उन्होंने बहुत भव्य यहाँ पे कार्य किए जिला प्रशासन के साथ। और आप सबको पता है कि कारगिल विजय जब हासिल की गई थी तो समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह तय किया था कि इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस दिवस में हम पूरे देश में जितने भी कारगिल शहीद हुए उनके परिजनों को सम्मानित करते हैं। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कारगिल से बड़ी घोषणा की थी। उस हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों ने आप जितने भी लोग शहीद उनके परिजनों को नौकरी देने से लेते हैं उनको रोजगार की तरफ ये सारे काम कर रहे हैं। और एक नया काम हमारे लिए क्या है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे CBS में सेलेक्ट होंगे, NDA में सेलेक्ट होंगे, उनको 1-1 लाख रुपये सरकार की तरफ से देना है। नई पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि उनको NSS में भाग लेना चाहिए, NCC में भाग लेना चाहिए और सेना की ओर उनको जरूर अपना रोजगार।